नमस्कार सखियों, बात सावन की हो और सावनी कजरी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश की बहुत ही प्रचलित है और दो प्रकार की कजरी है, एक मिर्जापुर की और एक बनारस की। तो सावन के महीने में जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, बागों में झूले पड़ जाते हैं, तब हमें सुनाई देती है कजरी की मीठी धुन और कोयल की कुहुकती आवाज। तो ये दोनों मिलकर क्या समा बांधती होंगी उसका वर्णन किया जाना मुश्किल है। तो कजरी हम ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार में ही सुन पाते हैं और इसका बैकग्राउंड ये है कि जब लड़कियां मायके आती हैं और अपने सखियों के साथ झूला झूलती हैं तो झूला झूलते हुए ये कजरी गाई जाती है। यहाँ मैं एक बहुत ही सुंदर कजरी का उल्लेख करना चाहूंगी जिसे कि आशा भोसले जी ने गाया है और नूतन जी पे फिल्म आया गया है। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन मिली जो बुलाए रे। ऐसे में हर विवाहित स्त्री सावन में अपने मायके आना चाहती है, अपने सखियों के साथ झूला झूलना चाहती है, लेकिन हर बार शायद ये संभव नहीं हो पाता हो। बेटी मायके आने से रह जाती है। इसी दर्द को समेटे हुए सदियों पहले अमीर खुसरो जी ने एक बहुत ही सुंदर सावनी कजरी लिखी थी, अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे। ये कजरी एक माँ और बेटी का संवाद है। इसमें बेटी माँ से फरियाद कर रही है, माँ किसी को तो भेजो सावन में जिससे कि मैं अपने मायके आ सकूं। माँ असमर्थ है और कितनी खूबसूरती से अपनी असमर्थता जता रही है जिससे बेटी को बुरा भी ना लगे और उसकी बात भी रह जाए। पेश है आप सबके लिए बहुत ही सुंदर सावनी कजरी, आशा है आप सबको पसंद आएगी। Thank you।
अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, मामा तो बागारी, अरे बेटी तेरा, मामा तो बागारी, के सावन आया, के सावन आया, के सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी, अरे अम्मा मेरे भैया को भेजोरी, अरे अम्मा मेरे मामा को भेजोरी। कोई विदा कराने नहीं आता, सावन ऐसे ही बीत जाता है। मायके में सावन कैसा होगा, इसको याद करने से कोई स्त्री को कोई रोक नहीं सकता है। वो स्त्री, वो लड़की अपने मायके में बिताए गए सावन को कुछ इस तरह से याद करती है। पेश है आपके नन्ही नन्ही बूंदियां रे सावन का मेरा झूलना, नन्ही नन्ही बूंदियां रे सावन का मेरा झूलना, नन्ही नन्ही बूंदियां रे